तैयारियाँ शुरू हो गई है और हम निकल पड़े हैं अपनी छुट्टियाँ बिताने। कहाँ जा रहे हैं? सिक्किम, गैंगटॉक, पहाड़ियों पे। और उसी दौरान हम लोगों ने ये ट्रेन लिया राजधानी, और राजधानी से हम लोग रात में 11 बजे बैठे और अभी सुबह के 9 बजे पहुँच चुके हैं हम लोग कटिहार। यहाँ ट्रेन थोड़ी देर रुकने वाली है और बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। फिर मिलते हैं हम लोग वहाँ से और बताते हैं कि आगे का सफर कैसे तय करेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। वहां से बाहर आकर हम लोगों ने टैक्सी किया और सबसे पहले हम जाएंगे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यहां से 73 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने के लिए एज पर गूगल मैप हमें 3 घंटे का समय लग सकता है, पर हमारे ड्राइवर ने बताया कि वहां पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है और दार्जिलिंग पहुंचने से पहले ही हैवी ट्रैफिक शुरू हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपना सफर और देखते हैं कि रास्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वाओ, व्हाट अ सीनिक व्यू। अभी हम लोग गुजर रहे हैं दार्जिलिंग टी स्टेट से। क्या आपको पता है दार्जिलिंग टी कितनी फेमस है? आज से कुछ साल पहले मैं जर्मनी गया था। जर्मनी में जिस होटल में रुका हुआ था वहां सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट के साथ टी मिली और टी बैग पे लिखा हुआ था दार्जिलिंग टी, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। तभी से मैंने डिसाइड किया था कि एक बार दार्जिलिंग घूमने जरूर जाऊंगा, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उसी दार्जिलिंग में दार्जिलिंग के टी स्टेट्स को देख रहा हूँ। आप भी देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, ये सारे टी प्लांट्स हैं। तो पहाड़ों के टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होते हुए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग, और ये है दार्जिलिंग का फेमस रेलवे स्टेशन जहां से टॉय ट्रेन चलती है।